छोटे से गांव में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती थी। 6 वर्ष से बालक मोहन के अतिरिक्त उसका और कोई नहीं था। वह 2-4 भले घरों से भिक्षा मांगकर अपना तथा बच्चे का पेट भर लेती और भगवान का भजन करती थी। भीख पूरी ना मिलती तो बालक को खिलाकर स्वयं उपवास कर लेती। यह काम चलता रहा। ब्राह्मणी को लगा कि बालक को 2 अक्षर ना आए यह ठीक नहीं है। गांव में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। गांव से 2 कोस पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां गई। उसकी दरिद्रता तथा रोने पर दया करके वहां के अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। वहां पढ़ने वाले छात्र गुरु के घर में रहते थे, किंतु ब्राह्मणी का पुत्र मोहन अभी बहुत छोटा था और ब्राह्मणी को भी अपने पुत्र को देखे बिना चैन नहीं पड़ता था। अतः मोहन नित्य पढ़ने जाता और सायंकाल घर लौट आता। उसको विद्या प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 4 कोस चलना पड़ता। मार्ग में कुछ दूर जंगल था। शाम को लौटने में अंधेरा होने लगता था। उस जंगल में मोहन को डर लगता था। एक दिन गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था। मोहन को अधिक देर हो गई और जब वह घर लौटने लगा रात्रि हो गई थी। अंधेरी रात जंगली जानवरों की आवाज़ों से बालक मोहन भय से थर थर कांपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण बच्चे को ढूंढने निकली थी। किसी प्रकार अपने पुत्र को वह घर ले आई। मोहन ने सरलता से कहा, माँ दूसरे लड़कों को साथ ले जाने तो उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लगा, तू मेरे लिए भी एक नौकर रख दे। बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। उसके पास इतना पैसा कहाँ कि नौकर रख सके। माता को रोते देख मोहन ने कहा, माँ तू रो मत, क्या हमारा और कोई नहीं है। अब ब्राह्मणी क्या उत्तर दे, उसका हृदय व्यथा से भर गया। उसने कहा, बेटा गोपाल को छोड़कर और कोई हमारा नहीं है। बच्चे की समझ में इतनी ही बात आई कि कोई गोपाल उसका है। उसने पूछा, गोपाल कौन, वे क्या लगते हैं मेरे और कहाँ रहते हैं। ब्राह्मणी ने सरल भाव से कह दिया, वे तुम्हारे भाई लगते हैं, सभी जगह रहते हैं परंतु आसानी से नहीं दिखते। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वे नहीं रहते, लेकिन उनको तो देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने और गोकुल के गोपों ने। बालक को तो अपने गोपाल भाई को जानना था। वह पूछने लगा, गोपाल मुझसे छोटे हैं या बड़े, अपने घर आते हैं या नहीं। माता ने उसे बताया, तुमसे वे बड़े हैं और घर भी आते हैं, पर हम लोग उन्हें नहीं देख सकते। जो उनको पाने के लिए व्याकुल होता है उसी के पुकारने पर वे उसके पास आते हैं। मोहन ने कहा, जंगल में आते समय मुझे बड़ा डर लगता है, मैं उस समय खूब व्याकुल हो जाता हूँ। वहाँ पुकारूँ तो क्या गोपाल भाई आएंगे। माता ने कहा, तो विश्वास के साथ पुकारेगा तो अवश्य वे आएंगे। मोहन की समझ में इतनी बात आई कि जंगल में अब डरने की जरूरत नहीं है। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर पुकारूंगा तो मेरा गोपाल भाई वहां आ जाएगा। दूसरे दिन पाठशाला से लौटते समय जब वह वन में पहुंचा, उसे डर लगा। उसने पुकारा, गोपाल भाई तुम कहां हो, मुझे यहां डर लगता है, मैं व्याकुल हो रहा हूं। गोपाल भाई जो दिन बंधु हैं, दिनों के पुकारने पर वह कैसे नहीं बोलेंगे। मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई पड़ा, भैया तू डर मत, मैं यह आया। यह स्वर सुनते ही मोहन का भय भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर ग्वाल बाल उसके पास आ गया। वह हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा, साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा। वन की सीमा तक वह पहुंचाकर लौट गया। गोपाल भाई को पाकर मोहन का भय जाता रहा। घर आकर उसने जब माता को सब बातें बताई, तब वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद हो अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया, जो दयामयी द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे, वे भोले बालक की पुकार पर भी वही आए थे। ऐसा ही नित्य होने लगा। एक दिन उसके गुरुजी के पिता का श्राद्ध होने लगा। सभी विद्यार्थी कुछ ना कुछ भेंट देंगे। गुरुजी सबसे कुछ लाने को कह रहे थे।
मोहन ने भी सरलता से पूछा, गुरुजी मैं क्या ले आऊँ। गुरु को ब्राह्मणी की अवस्था का पता था। उन्होंने कहा, बेटा तुमको कुछ नहीं लाना होगा। लेकिन मोहन को यह बात कैसे अच्छी लगती, सब लड़के लाएंगे तो मैं क्यों ना लाऊं। उसके हट को देखकर गुरुजी ने कह दिया, अच्छा तुम एक लोटा दूध ले आना। घर जाकर मोहन ने माता से गुरुजी के पिता के श्राद्ध की बात कही और यह भी कहा, मुझे एक लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। ब्राह्मणी के घर में था क्या जो वह दूध ला देती, मांगने पर भी उसे दूध कौन देता। लेकिन मोहन ठहरा बालक, वह रोने लगा। अंत में माता ने उसे समझाया, तू गोपाल भाई से दूध मांग लेना, वे अवश्य प्रबंध कर देंगे। दूसरे दिन मोहन ने जंगल में गोपाल भाई को जाते ही पुकारा और मिलने पर कहा, आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है, मुझे एक लोटा दूध ले जाना है। माँ ने कहा है कि गोपाल भाई से मांग लेना, सो मुझे तुम एक लोटा दूध ला कर दो। गोपाल ने कहा, मैं तो पहले से यह लोटा भर दूध लाया हूँ, तुम इसे ले जाओ। मोहन बड़ा प्रसन्न हुआ। पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखने और रखवाने में लगे थे। मोहन हंसता हुआ पहुँचा। कुछ देर तो वह प्रतीक्षा करता रहा कि उसके दूध को भी गुरुजी देखेंगे, पर जब किसी का ध्यान उसकी ओर ना गया तब वह बोला, गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। गुरुजी ढेरों चीज़ें संभालने में व्यस्त थे। मोहन ने जब उन्हें स्मरण दिलाया तब झुंझला कर बोले, जरा सा दूध लाकर यह लड़का कान खाए जाता है, जैसे इसने हमें निहाल कर दिया। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर हटाओ इसे यहाँ से। मोहन अपने इस अपमान से खिन्न हो गया, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया, फिर गिलास में डाला तो वह भी भर गया, बाल्टी में डालने लगा तो वह भी भर गई। भगवान के हाथ से दिया वह लोटा भर दूध तो अक्षय था। नौकर घबरा कर गुरु के पास गया। उसकी बात सुनकर गुरुजी और सब लोग वहां आए। अपने सामने एक बड़े पात्र में दूध डालने को उन्होंने कहा। पात्र भर गया पर लोटा तनिक भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार बड़े बड़े बर्तन दूध से भर गए। अब गुरुजी ने पूछा, बेटा तू दूध कहाँ से लाया है। सरलता से बालक ने कहा, मेरे गोपाल भाई ने दिया। गुरुजी और चकित हुए। उन्होंने पूछा, गोपाल भाई कौन, तुम्हारे तो कोई भाई नहीं। मोहन ने दृढ़ता से कहा, है क्यों नहीं, गोपाल भाई मेरा बड़ा भाई है, वह मुझे रोज़ वन में मिल जाते हैं। माँ कहती है कि वह सब जगह रहता है पर दिखता नहीं, कोई उसे खूब व्याकुल होकर पुकारे तभी वह आता है, उससे जो कुछ मांगा जाए वह तुरंत दे देता है। गुरुजी को अब समझना कुछ नहीं था, मोहन को उन्होंने गले से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उसके स्वाद का वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। श्राद्ध समाप्त हुआ, संध्या को सब लोग चले गए। मोहन को गुरुजी ने रोक लिया था। अब उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे साथ चलता हूँ, तू मुझे अपने गोपाल भाई के दर्शन करा देगा ना। मोहन ने कहा, चलिए मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाता है। वन में पहुंचकर उसने पुकारा, उत्तर में उसे सुनाई पड़ा, आज तुम अकेले तो हो नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाते हो। मोहन ने कहा, मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जल्दी आओ। जब मोहन ने गोपाल भाई को देखा तो गुरुजी से कहा, आपने देखा मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है। गुरुजी कहने लगे, मुझे तो दिखता ही नहीं, मैं तो यह प्रकाश मात्र देख रहा हूँ। अब मोहन ने कहा, गोपाल भाई तुम मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं पड़ते। उत्तर मिला, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, तुम में सरल विश्वास है, अतः मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरुदेव को जो प्रकाश दिख गया उसके लिए वही बहुत है, उनका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए, भगवान की उन्होंने स्तुति की। कुछ देर में जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तब मोहन को साथ लेकर वे उसके घर आए और वहाँ पहुँच कर उनके नेत्र भी धन्य हो गए। जय श्री कृष्ण।